हे गाइज, मेरा नाम है कौशल और आप सभी का स्वागत है मैरिन फिश लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिकलेट्स के ऊपर कि भाई आप सिकलेट्स ला रहे हैं तो कौन सी मछलियाँ सिकलेट्स के साथ रह सकती हैं, कौन सी नहीं रह सकती है, क्या फीड दे, इसका कलर कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत टफ होता है अगर आप सिकलेट्स लाते हैं तो उसका कलर मेंटेन रखना, अदरवाइज वो फेड होने लगती है। ओके तो और मतलब क्या साइज़ जाएगा, क्या खिलाए, मतलब किसके साथ रखे, तो ये सब जो चीज़ है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक सिकलेट्स के ऊपर है। तो सिकलेट्स ऐसी मछली है जो भाई बहुत एग्रेसिव होती है, ठीक है, और लोगों को बहुत पसंद आता। फर्स्ट टाइम जब शॉप पे जाते हैं ना लोग तो बहुत पसंद आता लोगों को कि भाई कलरफुल है, वाइब्रेंट कलर है, बहुत सुंदर दिखती है ये। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, दिखने में बहुत सुंदर है बट रखना थोड़ा सा टफ है। ओके, अब इसका सेटअप आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो बोलते हैं ना एक्वेरियम साइज़ क्या होना चाहिए, तो यार देखो साइज़ के ऊपर डिपेंड है। आप ला रहे हो सिकलेट तो ऑब्वियसली बात है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो आप 3 फिट का टैंक साइज़ ले लो, मिनिमम 3 फिट का साइज़ ले लोगे टैंक का। तो उसमें क्या है, अच्छे से टॉप फिल्टर सेट कर देना, सैंड वैंड या कोई भी आर्टिफिशियल आप कुछ भी मॉडल वगैरह यूज़ कर सकते हो उसमें। अब ये मत यूज़ करना कि लाइव प्लांट्स डाल देना, फिर तो दिक्कत है ना, सिकलेट्स फिर वो पूरा बाइट करके बर्बाद कर देगा आपका प्लांट्स। तो नॉर्मल एक सैंड का सेटअप आप डाल सकते हो, कुछ भी एक मॉडल आप डाल देना बीच में, वो एक नॉर्मल सेटअप है। ओके चलो, अब बात करते हैं कि टैंक का साइज़ हो गया, आप कैसे सेट करना है। नॉर्मल टॉप फिल्टर वगैरह लगा के बढ़िया से सेट कर देना। अब खाएगा क्या ये सब चीज़? तो खाएगा भाई बहुत उसका फेवरेट आता है फूड, बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, शॉपकीपर्स भी सजेस्ट करेगा आपको कि भाई आप टेट्राबिट ले जाओ, बहुत बेहतरीन खाना है, टेट्राबिट्स खिलाओ। बट यार मेरा मानना है ना कि एक फूड जो आप खिला सकते हैं बट वीक में 1 से 2 बार, वो है ब्लड वॉर्म, ठीक है। ब्लड वॉर्म एक ऐसा फूड है जिससे आपका कलर इन्हेंसिंग मच्छी में बरकरार रहेगा भाई, मेनटेन रहेगा कलर। मछलियों को बहुत पसंद है, जैसे हम लोग को चिकन मटन नॉनवेज में ये पसंद है ना, और वेजिटेरियंस को पनीर वगैरह का आइटम, तो सेम ये लोग के लिए ना, फिशेस के लिए ये चीज़ वही है, सेम चीज़। तो वीक में 1 से 2 बार आप दे सकते हो, फीड करो। और अदर डेज जो है आप दे सकते हो, ऑप्टिमम का 3 in 1 12% सेपरलिना, फिर 6% हो गया, 12% हो गया, उसका सिकलेट्स का ये आता है ऑप्टिमम आता है 300 ग्राम्स का, वो भी आप दे सकते हैं। फिर अदरवाइज हेकारी का आप दे सकते हैं अगर बजट आपका अच्छा है तो। और वीक में भाई 2 बार प्लीज़ ब्लड वॉर्म देना भूलना ही मत, ब्लड वॉर्म बहुत ही कंपलसरी है, ज़रूर देना, कलर मेंटेन रहेगा। ओके, बहुत लोग बोलते हैं शॉपकीपर से खरीद के तो लाते हैं, घर पे लाते लाते ना उसका कलर फेड हो जाता है, तो भाई प्रॉपर केयर करो ना उसका। अगर ठंडी का टाइम है तो ठंडी में हीटर भी रखो उसमें 28 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि मैंने टॉप फिल्टर्स में यूज़ रखा है और मेरा जो टैंक साइज़ है वो 4x2x2 है, तो थोड़ा सा बड़ा टैंक है बट मछली का क्वांटिटी भी बड़ा है, मतलब बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो ब्लड वॉर्म्स देख रहे हो कैसे खा रहा है, तो भाई ब्लड वॉर्म रखना एकदम मस्त, एकदम ज़रूरी है, ब्लड वॉर्म ज़रूर रखना, ठीक है। अब बात करते किसके साथ रहेगी ये मछली, देखने में तो भाई बहुत सुंदर है, लगता है ना कि कितना क्यूट है, सब मछली के साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मछली, गोल्डफिश, कार्प, ये सब के साथ सोचना ही मत, भूल से भी सोचना मत, वरना डालोगे मछली और कुछ ही देर में ना वो फिर आपको गोल्डफिश मिलने वाला नहीं है, उसको ये लोग खा जाएगा मिलके। तो ये है एग्रेसिव फिश, इसको नॉनवेज बहुत पसंद है, आप चिकन लंग्स वगैरह दे सकते हो, कलेजी इसको बोलते हो वो दे सकते हो, चिकन हार्ट, श्रिम्प वगैरह ये सब बहुत चाव से खाएगा, तो गोल्डफिश क्या है वो भी खा लेगा। तो करना क्या है आपको कि इसको आप एक कम्युनिटी में रखो, ज़्यादा बेस्ट है, सिर्फ सिकलेट्स तो सिर्फ सिकलेट्स, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप सोचोगे कि भाई मेरे को तो पूरा एक एक पूरा वही बनाना, मछली का पूरा सागर बनाना है, झील बनाना है, तो ऐसा नहीं है भाई, आप इसका कम्युनिटी को रखो, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, सारा कलर रखो आप, सारा जैसे बोलते हैं ना 7 कलर हो गया, 5 बैंडेड हो गया, इलेक्ट्रिक ब्लू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो ये सारा वैरायटी ना आप रखो एक साथ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही बात है, सिकलेट रखना है सिर्फ सिकलेट रखो, मन है भाई सिर्फ सिकलेट ही रखना और कुछ मत रखना, अदरवाइज भाई फिर लाओगे मरेगा आप ही पछताना यार, और फिर शॉपकीपर को बोलना कि भाई क्या मछली देता है यार, मर जाता है, ये बोलते हैं ना शॉपकीपर्स को आके आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग जब भी मछलियाँ ले भाई सोच समझ लो यार, पूछ लो शॉपकीपर से कि भैया मेरे को ये मछली ले जा रहा है इसके साथ क्या रहेगा, बहुत शॉपकीपर चूतिया बनाते हैं,
कि भैया ये ले जाइए ना रह जाएगा, ये ले जाइए रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा वीडियोस आएगा कौन सी मछली किसके साथ रह सकती है, मैं गाइड करूँगा। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो बस आज का वीडियो इतना ही। मछली रखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई मेरे को कमेंट करके पूछ लो भाई कौन सा मच्छी है, सब चीज़ का वो हम देंगे। और ये टेट्राबिट आप इसको फीड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है कलर के लिए, सीक्रेट्स के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो कुछ दिन बाद किसके ऊपर अपडेट कर दूंगा भाई, इंस्टाग्राम पे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।